नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना प्रजापति गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से कवि चौपाल पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हमारे समाज में लड़कियों को किस दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि आज उनको उच्च स्तर प्राप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको निम्न स्तर पर ही रखा जाता है। तो मैं बेटियों के लिए लिखती हूँ और बेटियों के बारे में सोचकर कुछ छंद लिखे हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। लड़की को मार कर थोड़ी देर खुश रहो, लेकिन फिर बाद में बड़ा पछताओगे। बेटियों को रखते हो घर में छिपा के तुम, बेटों को तो दुनिया के सामने दिखाओगे। हमसे ही दुनिया है, हमसे समाज चले, कैसे बेटियों के बिना वंश को बढ़ाओगे। हमसे ही दुनिया है, हमसे समाज चले, कैसे बेटियों के बिना वंश को बढ़ाओगे। गर हम नहीं होंगे लड़के ही लड़के हो, गर हम नहीं होंगे लड़के ही लड़के हो, नवरातों में क्या फिर लड़के जिमाओगे, नवरातों में क्या फिर लड़के जिमाओगे। हमको क्यों मारते हो, हमने बिगाड़ा है क्या। भ्रूण हत्या बहुत होती है, तो उसके लिए मैंने लिखा है कि हमको क्यों मारते हो, हमने बिगाड़ा है क्या, आज हमें मार कर कल पछताओगे। बेटियों को देखकर गुस्सा क्यों आता है तुम्हें, बेटियों को देखकर गुस्सा क्यों आता है तुम्हें, बेटों के लिए तो तुम जान भी दे जाओगे। जिन बेटों के ऊपर अभिमान करते हो, छोड़ देंगे तुम्हें, तुम रोते रह जाओगे। जिन बेटों के ऊपर अभिमान करते हो, छोड़ देंगे तुम्हें, तुम रोते रह जाओगे। सोचो सोचो एक बात ध्यान लगा के जरा, सोचो सोचो एक बात ध्यान लगा के जरा। गर बेटा नहीं, गर बेटी नहीं होगी बेटा कैसे पाओगे, गर बेटी नहीं होगी बेटा कैसे पाओगे। और कभी कभी जब चारों तरफ ये होता है कि लड़का होता, तो हमारे मन में भी आता है कि लड़की ही बनती मैं कभी कभी सोचती हूँ, लड़का ही बनती मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब लोग कहें कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर सोचू एक बात लड़के ये शेर है क्या, फिर सोचू एक बात लड़के ये शेर है क्या, देख लेना शेरनी सी आगे बढ़ जाऊंगी। तुमसे ना होगा यह लोग कहे मुझसे ये, तुमसे ना होगा यह लोग कहे मुझसे ये, लड़की क्या कर सके सबको दिखाऊंगी। तुमसे ना होगा यह लोग कहे मुझसे ये, लड़की क्या कर सके सबको दिखाऊंगी। लड़की थी लड़की हूँ लड़की ही रहना है, लड़की थी लड़की हूँ लड़की ही रहना है, इससे ही देश में मैं नाम कर जाऊंगी, इससे ही देश में मैं नाम कर जाऊंगी। और अभी जैसे हम लिखते हैं तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ कि हाँ मैं एक लड़की हूँ। मुश्किलों में चलना है, राहों में है कांटे बड़े, मुश्किलों में चलना है, राहों में है कांटे बड़े, उन सब को मैं अब पार कर जाऊंगी। बेटियों को प्यार यहाँ कोई नहीं करता है, बेटियों को प्यार यहाँ कोई नहीं करता है, बेटों जैसा प्यार अब मैं भी यहाँ पाऊंगी। उस काली की वो झांसी सबको है याद यहाँ, इस काली की मैं झांसी बन के दिखाऊंगी। उस काली की वो झांसी सबको है याद यहाँ, इस काली की मैं झांसी बन के दिखाऊंगी। तलवार नहीं यहाँ मेरे किसी हाथ में भी, तलवार नहीं यहाँ मेरे किसी हाथ में भी, अपनी कलम से आसमान छू जाऊंगी, अपनी कलम से आसमान छू जाऊंगी। और मैं सभी से यही विनती करना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, उन्हें वो सब कराइए जो वो करना चाहती हैं, क्योंकि बेटियां आप बहुत खुशनसीब है कि आपको बेटी हुई है। जिनके बेटी नहीं होती उनसे पूछिए कि उन्हें कितनी कमी महसूस होती है बेटी की। तो इसलिए अपनी बेटियों की उनके सपनों को ऊंची उड़ान दीजिए। धन्यवाद।